गाइस वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के यहाँ देर है बट अंधेर नहीं है, मतलब जो मांगो दिल से वो जरूर मिलता है। आपको पता ही है कि एक दो दिन पहले जो ट्विटर पे ट्रेंड हुआ, स्टॉप रूनिंग सलमान अकाउंट। देखो हम सबको पता है कि सलमान भाई जो 2015 से पहले के सलमान भाई है, 2015-16 तक भी जिस तरीके के पोस्ट्स वो करते थे, ट्वीट्स वो करते थे, इतने ज़बरदस्त होते थे, इतने फनी होते थे और वो दिल खोल के कुछ भी लिखते थे। बट उसके बाद से काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी हो जाती थी उसकी वजह से। उसके बाद उन्होंने वैसे वैसे ट्वीट्स पोस्ट करने ही बंद कर दिए थे। अब हमको पता है कि सलमान भाई अभी कपिल शर्मा शो में बता भी रहे थे कि किस तरीके से अब जो है लॉयर्स वगैरह के पास जाते हैं वो उनके पोस्ट, उसके बाद वहाँ से जब परमिशन मिलती है तब वो करते हैं। देखो सबसे बड़ा स्टार है इंडिया का, उनको बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सलमान भाई का लिखा हुआ एक चीज़ भी, उनकी बोली हुई एक बात भी ना नेशनल हेडलाइन बन जाती है और वो पूरे हफ्ते तक न्यूज़ चैनल चलाते हैं उसको तोड़ मरोड़ के कुछ भी मीनिंग निकाल के। बट जो भी हो सलमान भाई ने वो तो बंद कर दिया था और अब जो है कैसे कैसे पोस्ट आते थे आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड प्रमोशंस और कमर्शियल्स और जितने भी ये फ्रेश के, बींग ह्यूमन के और चिंगारी और जो भी जितने भी टोकन्स वगैरह हैं वो उन सारी चीज़ों को। तो फैंस भी परेशान कि भाई क्यों नहीं कर रहे। अब देखो भाई ने क्या किया, देखो उस दिन तो अपने जो जॉर्डी पटेल साहब हैं उनको लेके तो ज़बरदस्त ट्रेंड हुई। गाइस देखो ये सारी चीज़ें करना कोई गलत नहीं है, जितने वो इतने बड़े स्टार हैं उनके पास इतनी सारी ब्रांड्स हैं तो वो तो करेंगे, बट एक बैलेंस होना चाहिए कि सलमान भाई कुछ अपनी फोटोज़ वगैरह भी डालें क्योंकि फिर देखो रीच भी कम हो जाती है ना, बार बार एक ही चीज़ को प्रमोशंस वगैरह पोस्ट आते तो रीच कम हो जाती है। सलमान भाई जब भी वैसी कोई फ़ोटो डालते हैं जिम विम की या फिर पिछले साल लॉकडाउन वाली फार्म हाउस की जितनी भी फ़ोटोज़ वाली रीच देखो 1, 2, 3, 3 मिलियंस लाइक्स चले जाते थे उस पर, तो वो अलग चीज़ है। बट देखो सबसे बड़ी क्या चीज़ है ना कि हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कभी कभी कि सलमान भाई तक हमारी बात पहुंचती भी है कि नहीं, सलमान भाई को फ़र्क भी पड़ता है कि नहीं ट्रेंड से। गाइस देखो जितना हम सलमान भाई को चाहते हैं ना उससे ज़्यादा ही सलमान भाई हमें भी चाहते हैं, हमारी बात वो सुनते हैं। और वही एक रीज़न है कि अभी थोड़ी देर पहले सलमान भाई ने जो पोस्ट किया है ना यार वो सीधे जाके यहाँ लगी है। एक तो सबसे पहले जो फोटो डाली है वो प्रॉपर टाइगर लुक है सलमान भाई की, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये टाइगर जिंदा है टाइगर जिंदा है कह रहा हूँ, टाइगर 3 के सेट पे की फोटो पता नहीं मुझे क्यों लग रही, क्योंकि ये तो एक आइकॉनिक स्कार्फ भी है टाइगर वाला, कलर थोड़ा सा चेंज है। एशली डिबेलो ने कुछ दिन पहले बताया था कि इस बार थोड़े अलग अलग कलर्स के स्कार्फ पहनने वाले सलमान भाई। बियर्ड आप देख सकते हो प्रॉपर वो रफ बियर्ड टाइगर 3 वाली दिख रही है, काफ़ी घनी बियर्ड है और ज़बरदस्त लुक लग रही है सलमान भाई की और काफ़ी डेडली लुक है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो सलमान भाई ने जो पोस्ट किया मैं आपको बताता हूँ, वो लिखते हैं कि आई हैव टू पोस्ट कमर्शियल्स एंड ट्रेलर्स ETC, अपने ही ब्रांड्स हैं ना समझे क्या, सब सुन रहा हूँ, आई सी यू आई हेयर यू, आज एक पोस्ट कल एक टीज़र। अब देखो गाइस टीज़र की बात जब आ गई है तो टीज़र क्या आने वाला है, बहुत लोग को लग रहा होगा कि टाइगर 3 का कहीं टीज़र ना डाल दे सलमान भाई, देखो वो सलमान खान ने कुछ भी कर सकता है बट टाइगर 3 का टीज़र नहीं आएगा गाइस। कल जो है मैं चला जो गाना आने वाला है जो कि अंतिम के लिए शूट हुआ था, उस गाने को जो है वापस से रिक्रिएट किया गया है, T-Series ने किया है, गुरु रंधावा और यूलिया वेंटूर ने ये गाना गाया है और बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। पोस्टर भी आ गया, फोटो देख सकते हो स्क्रीन पे सलमान भाई की, वही अंतिम वाली लुक है। प्रज्ञा जायसवाल होने वाली है सलमान भाई के साथ इस गाने में और काफ़ी अच्छी मेलोडियस ट्यून इसकी लगी थी जब मैंने ये गाना सुना था। बट ये सबसे अच्छी चीज़ ये है, देखो गाना तो 22 जनवरी को आएगा तो हम लोग गाने को तो देखेंगे ही, बट सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि सलमान भाई ने जो पोस्ट किया है ना वो दिल को छू गए यार। सलमान भाई आप ऐसे ही पोस्ट करते रहो, बहुत मज़ा आता है आप जब ऐसे ऐसे पोस्ट करते हो, आपके लिए ही तो हम लोग ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, अगर आप ही नहीं करोगे पोस्ट तो फिर हमारा क्या होगा। तो सलमान भाई आप ऐसे ही पोस्ट करो, बड़ा ज़बरदस्त ये पोस्ट था, सलमान भाई ने हमारी सुन ली और ऐसे ही सुनते रहे हमेशा। तो चलो आई होप आपको ये पोस्ट देख के मज़ा आ ही गया होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। तो चलो जब गाना आएगा तो उस पर बात करेंगे, कल टीज़र आएगा, कल टीज़र पे वीडियो बनाऊंगा, कुछ दिन से तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। चलो अभी तक के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।